नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आई श्रद्धा एस्ट्रोलॉजी नूतन अध्याय को मुझे ज्योतिर्विद पंडित अजित कुमार दास बुलनना स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु, आज कार्यक्रम आम आलोचना करवा एक सुंदर विषय वस्तु, जो विषय वस्तुर नाम कौन ना, यही जिनस को घरे रखिले दूर हो जाए वास्तुदोष, व्यवहार कर देखु। दर्शक बंधु, वास्तु टिप्स। दर्शक बंधु, आम तो कार्यक्रम आरंभ करवा निश्चित, किंतु आरंभ करने पूर्व जो मैंने आम वीडियो को देखुंट, वीडियो भल लगला लाइक टे करें, नलेज पर आम वीडियो को शेयर करेंगे। जदि आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर सैट्रे आसुवा बेल आइकन को दबाई देवे, कारण यही ज्योतिष भित्तिक वास्तु भित्तिक आध्यात्मिक वीडियो जितेबाला आम आम चैनल अपलोड कर, दर्शक बंधु सर्वप्रथमें आपत देखिपारे। दर्शक बंधु, एवं आसतु आम संपूर्ण रूपे कार्यक्रम आरंभ करवा। दर्शक बंधु, पुराण रे कुआ जाइछे समुद्र मंथन रु शंखर उत्पत्ति होइथिला। भगवान शिव को छाड़ी अन्य सबू देवी देवता शंखरे जल अर्पित करा जाए, पूजा पाठरे शंख व्यवहार करा जाउछि। तेणु पूजा आरंभ रे शंखर मुद्रा रे शंखर प्रार्थना करा जाए। हिंदू धर्म रे शंख को गुरुत्वपूर्ण और पवित्र बोली कुआ जाइछे। वास्तुशास्त्र अनुसार जेउं घरे वास्तुदोष थाए से ही घर सदस्य माने अनेक समस्यार सम्मुखीन होइथांती। यही घरे सर्वदा क्लेश लागि रुहे, स्वास्थ्य खराब हुए और दरिद्रता वृद्धि होइथाय। दर्शक बंधु, सेतिपाई घर वास्तुदोष को दूर करिबा जरूरी अटे। आसंतु जानिबा केउ जिनिस रखिबा द्वारा घर वास्तुदोष दूर करिथाय, एहाकु घरे निश्चित रखिबा उचित। दर्शक बंधु, दर्शक बंधु, वास्तुशास्त्र अनुसार घरे शंख रखिले वास्तुदोष दूर होगा सहित धन और आरोग्य प्राप्ति होता। जदि आपण घर कौन भागरे वास्तुदोष थाए तेबे से भागरे शंख रखिले सेठार वास्तुदोष दूर हुए और घरे खुशी मिलता है। यही शंख द्वारा केवल वास्तुदोष दूर हुए ना, यह स्वास्थ्यर अभिवृद्धि, आयुष प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, पितृदोष, शांति और विवाह आदि असुविधा को मध्य दूर करिथाय। एहा व्यतीत अनेक चमत्कार लाभ पई मध्य शंख व्यवहार करा जाइथाय। दर्शक बंधु, दर्शक बंधु, शंख बजाइले बा तार शब्द बा ध्वनि जेते बाट पर्यंत सुना जाए से ही बाटरे वायु शुद्ध हेबा सहित ऊर्जावान मध्य हो जाए। वास्तु विज्ञान अनुसार सोइथिबा भूमि मध्य नियमित शंख शब्द रे उठी जाई थाए। भूमि जाग्रत हेले रोग शोक और कष्ट कमी जाए, परिवार सदस्यंकर सुख समृद्धि वृद्धि पाई थाए। जेउठारे शंख थाए सेठारे भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी सर्वदा वास करंती, अमंगल दूरे जाए। दर्शक बंधु, दर्शक बंधु, वास्तुदोष प्रभाव को दूर करने शंखरे गाई क्षीर भर्ती करी से क्षीर को घर सबुआड़े छिंचिले घरे सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है। शंख ध्वनि आध्यात्मिक शक्तिर संपर्ण होता है। विजयर प्रतीक मानुवा शंखरे कौन सी धार्मिक अनुष्ठान आरंभ में शंख बजा जाए। शंख बजाइले तार शब्द बा ध्वनि जिते बाट पर्यंत सुना जाए से पर्यंत नकारात्मक ऊर्जा दूर होगा सहित से ही वातावरण में सबू कीटाणु नष्ट हो जाए थाए। दर्शक बंधु, वास्तुशास्त्र अनुसार जो घर शंख थाए सेठारे सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है। शास्त्र अनुसार घर पूजा स्थान में माता लक्ष्मी के सहित शंख मध्य स्थापन करा जाए और सबुदिन पूजा करा जाए, सेठारे माता लक्ष्मी बास करती से घरे धन संपत्ति समस्या देखा दिए ना। दर्शक बंधु, दर्शक बंधु, आपण तो जानले शंख को नहीं किसी वास्तु समस्या। आज तो समय जाइए, पुणी एक कार्यक्रम आम आपण सहित भेट हूँ, से पर्यटन आमको विदाय दिंतु। आम रोचु दर्शक बंधु, नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय गुरुदेव।